मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेंटिक्स में आगे पढ़ेंगे, मोनो हैप्पी क्रॉस के बारे में बता चुके हैं। अब इसका जो भी पॉइंट बचा हुआ है, ठीक, एक्सेप्शन से बचा हुआ है, जो मोनो हैप्पी क्रॉस में जो जो भी नियम दिए गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोनो हैप्पी क्रॉस या एक शंकर क्रॉस बोलते हैं, जो आप लोगों को पता है। इसमें देखिए मेंडल ने मोनो हैप्पी क्रॉस के आधार पर तीन निष्कर्ष दिए थे मेंडल साहब ने, जो कि तीन निष्कर्ष जो थे वह वंशगति आधार पर जो है ना उसको चेंज किया गया था। वही लिखा हुआ यहाँ पे दिए थे, जिन्हें वंशगति के दो नियमों में परिवर्तित किया गया। दो नियम कौन कौन था, देखिए ये दोनों नया नियम लागू हुआ, और तीन नियम कौन कौन था, पोस्टुलेट ऑफ पेरेंट फैक्टर, ठीक, कौन सा है, पोस्टुलेट ऑफ पेरेंट फैक्टर, दूसरा है पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, ये डोमिनेंस बोलते हैं, पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। ये तीनों नियम कौन दिए थे, मेंडल साहब दिए थे। तब जो नया नियम जो लागू हुआ था कौन कौन हुआ, ये दोनों दोनों नियम का क्या नाम दिया दे दिया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का हिंदी क्या होता है, डोमिनेंस का हिंदी क्या होता है, प्रभाविता, तो प्रभाविता का नियम, ठीक। तो ये दोनों नियम का एक नियम बनाया गया, ठीक, और ये पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन का एक यही नियम को दूसरे नियम से, देखिए पोस्टुलेट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सुधारा जाना, ठीक। ये पहले जो है मंडल साहब कुछ गलती किए थे तो उसको सुधारा गया, तीनों साइंटिस्ट जो थे, ठीक नहीं, तो ये तीनों साइंटिस्ट इससे पहले पता चुके हैं, तीनों साइंटिस्ट का नाम, वो तीनों साइंटिस्ट इसके मेंडल के बुक को दोबारा भी डिस्कवर कर रहे थे, ठीक नहीं, तो वही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन का जो ये नाम जो था, पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन जो था, इसका नियम चेंज करके क्या लिखा गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, पृथक्करण का नियम। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, पृथक्करण, सेग्रीगेट हो जाना, निकल जाना, अलग अलग हो जाना, ठीक। तो ये दोनों नियम क्या गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और लास्ट थर्ड नियम को क्या बोला गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसके बारे में प्रभाविता का नियम क्या कहता है, कि प्रत्येक लक्षण के लिए एक फैक्टर होता है। एक फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब कारक होता है, ठीक, क्या होता है, कारक। तो प्रत्येक लक्षण के लिए एक फैक्टर होता है, ठीक। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, फैक्टर जो है, कारक जो है, हमेशा जोड़े में पाया जाता है। ये दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर कौन सी क्या, देखिए कि क्या बोल रहा है, प्रत्येक लक्षण के लिए एक फैक्टर होता है, समझ। दूसरा बात क्या बोल रहा है, कि कारक जो है, फैक्टर जो है, हमेशा जोड़े में पाया जाता है। जोड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर हमेशा पेयर में पाया जाता है, जोड़े में पाया जाता है। कैसे, देखिए जब भी हम बोल रहे थे क्या, ये जब मोनो हैप्पी क्रॉस का पति पढ़ाए थे पेरेंट का, उसका F1 पीढ़ी कौन सा आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, F1 पीढ़ी था ना, अरे कैपिटल टी था, दोनों प्योर पेरेंट था, यहाँ स्मॉल टी दोनों में से एक गेमिट निकला था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी निकला था कि नहीं, उसके बाद दोनों क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, क्या F1 पीढ़ी का आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इतना ही बताया थे। तो F1 पीढ़ी जो है, ये देखिए ये कैसा प्लांट था, F1 पीढ़ी लंबा था, लंबा था। तो यहाँ बात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक लक्षण के लिए एक कारक होता है, फैक्टर होता है, मतलब ये लंबा है तो लंबा होने का फैक्टर क्या है, डोमिनेंस, कैपिटल टी। ये जो है कैपिटल टी नहीं रहता तो क्या हो जाता, रिसेसिव हो जाता, क्या हो जाता, बौना हो जाता, डवार्फ हो जाता, कि नहीं, कमजोर हो जाता, ताकतवर कम होता। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ फैक्टर कौन सा है, कैपिटल टी, क्या डोमिनेंस होने का लक्षण, ये लंबा होने का लक्षण प्रदर्शित करता है, कौन सा, कैपिटल टी। तो यहाँ वही बात है कि प्रत्येक लक्षण के लिए फैक्टर होता है। दूसरा बात क्या कह रहा है, कि कारक जो है हमेशा फैक्टर में होता है, जोड़े में होता है, सही बात है। देखिए लंबा है प्लांट तो इसका जीनोटाइप देखिए क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है कि नहीं, तो ये क्या है, जोड़े में है कि नहीं, जोड़े में है। कभी अकेला हमेशा क्या होता है, वो गेमिट होता है, तो गेमिट के बारे में तो पढ़ते ही नहीं है, गेमिट क्या काम का, कोई काम का नहीं अकेले, वो जब तक दोनों फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक कोई प्लांट का ग्रोथ नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा, तब तक वो कोई काम का नहीं है। तो ये दोनों गेमिट जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, दूसरा प्लांट कोई क्या हुआ, वृद्धि हुआ, ठीक। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये प्लांट कैसा था, लंबा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये दोनों बात समझा चुके हैं। तो क्या होता है, जोड़ा क्या होता है, कारक जो है हमेशा जोड़े में पाया जाता है, किसे पाया जाता है, कारक हमेशा, फैक्टर हमेशा, एक फैक्टर है कि नहीं भाई, लंबा होने का फैक्टर है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दो जोड़ा में है कि नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी था, बहुत सा चार, इसका F2 पीढ़ी क्या था, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो को था, ये था कि नहीं, ये वो था, एक स्मॉल टी स्मॉल टी, तो इसीलिए एक अनुपात दो अनुपात एक था कि नहीं, ये देखे सब जोड़े में ही नहीं,
सब जोड़े में है, बस इतना ही बात है। अब इसमें नीचे में और एक और पॉइंट है, अभी इसमें जगह नहीं है, इसके ऊपर बताएंगे। ठीक, अभी इस पहले इसको देख लीजिए, दोनों पार्ट समझ में आया कि नहीं आपको, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप लोगों को बता दिए हैं क्या प्रहरता के नियम में, कि प्रत्येक लक्षण के लिए कारक होता है, सही बात है, फैक्टर होता है। कि भाई कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो क्या होगा, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, बताइए दोनों में से कोई एक कारक है लंबा होने का। भाई ये पौधा कैसा है, लंबा है, तो लंबा किसके कारण है, कैपिटल टी के कारण है कि नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, फैक्टर हमेशा जोड़े में होता है या पाया जाता है, ये देखिए इसमें हम एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए दोबारा लिखना पड़ा हमको, फैक्टर हमेशा जोड़े में, जोड़ा में समझ सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक, ये सब जोड़ा में कि नहीं, देखिए जोड़ा में है, पेयर में है, पेयर में है, पेयर में पाया जाता है। लॉ ऑफ डिवरेंस क्या कहता है, कि प्रत्येक लक्षण के लिए क्या होता है कारक, और दूसरा क्या कहता है कि प्रत्येक फैक्टर हमेशा जोड़े में पाया जाता है। ठीक, और तीसरा ये क्या कह रहा, देखिए तीसरा पॉइंट, यदि असमान कारक जोड़े में एक साथ हो तो उनमें से कोई एक कारक ही अपना प्रभाव दिखा पाता है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, प्रभावी कारक कहते हैं। ये पॉइंट अभी समझा रहे हैं, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है उसका कहते हैं अप्रभावी कारक कहते हैं। ठीक, सिंपल से बात है, एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कोई क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी आएगा। किसी एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल ये ले रहे हैं क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, ये पौधा कैसा है, लंबा है, पौधा कैसा है, लंबा है, तो लंबा किसके कारण हुआ है, कौन सा जीन के कारण हुआ है, कौन सा जीनोटाइप के कारण हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो क्या जीनोटाइप। ठीक, कैपिटल टी कारण क्या हुआ है, ये पौधा लंबा हुआ है, कैपिटल टी कारण हुआ है। तो बताइए इसमें से दोनों में ताकतवर कौन, कैपिटल टी ताकतवर। ठीक, तो दोनों में से ताकतवर जो होगा उसको बोलते हैं डोमिनेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभावी कारक बोलते हैं, प्रभावी फैक्टर है। मान लीजिए हम किसी आदमी से छोटे हैं, ठीक, हमसे कोई बहुत मोटा है, बहुत ज्यादा, कोई एक थप्पड़ हमको दे दिया तो क्या होगा, हम तो लड़क जाएंगे, वही यहाँ पर भी है। जीनोटाइप दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन कौन जीनोटाइप ताकतवर है ये मायने यहाँ पर रखता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे है, तो दोनों में से कौन ताकतवर, कैपिटल टी, हमेशा क्या बोले हैं, जो कैपिटल लेटर वाला रहेगा वो ताकतवर होगा, समझ लीजिए ताकतवर होगा, क्योंकि ये क्या हुआ, ये मेंडल साहब देख रहे थे इस चीज को, कि जीनोटाइप जो ज्यादा क्या होता है, ताकतवर होता है, वो ज्यादा लंबा भी होता है। ठीक, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी क्या है, यहाँ पर ताकतवर है, तो वही बात है यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि असमान कारक, असमान बोले तो दोनों असमान है कि नहीं, देखिए कैपिटल टी एक स्मॉल टी है इसलिए बोलते हैं असमान, यदि असमान कारक जोड़े में है, एक साथ है। ठीक, उनमें से कोई एक कारक ही अपना प्रभाव दिखा पाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रभावी कारक कहते हैं। और जो क्या होगा, नहीं दिखा पाता है, तो जो इसमें से कौन नहीं दिखा रहा है, स्मॉल टी, तो क्या होगा, अप्रभावी कारक कम ताकतवर हो गया। ठीक, बताइए इसमें स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है, तो अप्रभावी है तो क्या होगा, बताइए अप्रभावी हो गया तो क्या होगा, रिसेसिव हो गया, कमजोर हो गया, तो जो ये तो अपना ताकतवर नहीं दिखा पा रहा है। भाई कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, बताइए कोई मतलब जवान है मान लीजिए, तो बच्चा क्या उसके सामने कुछ टिक पाएगा, तो बच्चा क्या बोलेंगे, अप्रभावी बोलेंगे, क्या है, कमजोर है। तो यही बात यहाँ पे लिखा होगा क्या, जिसे प्रभावी कारक कहते हैं, और जो कारक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। इसी में ले लीजिए कैपिटल टी क्या है, प्रभावी कारक, स्मॉल टी क्या है, प्रभावी कारक, बस इतना समझना है। ठीक, अब इसमें नॉट पॉइंट क्या है, देखिए कि प्रभाविता का नियम हमें यह बताता है कि क्यों F1 पीढ़ी में दोनों पैरेंट में से केवल एक ही पैरेंट का लक्षण क्या हो रहा है, दिखता है, प्रदर्शित होता है। यहाँ वही बात लिखा हुआ है कि प्रभाविता का नियम हमें यह बताता है कि क्यों F1 पीढ़ी में दोनों पेरेंट्स में से केवल एक ही पेरेंट का लक्षण प्रदर्शित होता है। इसका मतलब आपको ये पता है, ये मतलब ये फर्स्ट सेकेंड आपको पता अच्छा से, क्यों, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। देखिए क्या बता रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ये क्या है, दोनों पेरेंट में से F1 पीढ़ी, देखिए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 पीढ़ी क्या था, अरे दोनों पैरेंट क्या था, अभी फिर से बता रहे हैं, चार तरह बताए क्या, कैपिटल टी कैपिटल टी था कि नहीं, देखिए स्मॉल टी स्मॉल टी था, ये क्या प्योर पैरेंट था कि नहीं, प्योर पैरेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था, है ना, तो ये दोनों का गैमेट निकल रहा था, गैमेट, इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल टी, इसका गैमेट क्या होगा,
स्मॉल टी होगा ना, तो बताइए क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, फर्टिलाइजर होगा तो क्या होगा स्मॉल टी। तो ये क्या था, लंबा पौधा था, लेकिन 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 इसका F1 पीढ़ी था कि नहीं, अरे F1 पीढ़ी लिखे थे, F1 पीढ़ी, अरे F1 जनरेशन लिखे थे, F1 जनरेशन यही बात बोल रहा है कि क्यों F1 पीढ़ी में दोनों पेरेंट में से, दोनों पेरेंट में से केवल एक ही पेरेंट का, बताइए एक ही पेरेंट का लक्षण कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये पौधा क्या, ये तो पौधा लंबा है भाई, कैसा है, लंबा है, ये पौधा क्या है, बौना है ना, बताइए ये पौधा लंबा है, ये पौधा बौना है, तो कैसा पीढ़ी आया है, लंबा आया, वही बात यहाँ बोल रहा है कि क्यों F1 पीढ़ी में पेरेंट, दोनों पेरेंट में से केवल एक ही पेरेंट का लक्षण प्रदर्शित हो, लक्षण प्रदर्शित हो रहा है और कुछ नहीं, लक्षण कि भाई ये पौधा लंबा है, इसका इसका माता पिता लंबा है, इसका पिता माने जो लंबा है, इसका क्या हुआ, जो शिशु हुआ क्या हुआ, जो छोटा पौधा हुआ क्या हुआ, वो भी लंबा हुआ, F1 पीढ़ी में दोनों पेरेंट में से केवल एक ही पेरेंट का लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, समझ में, इसका क्या हुआ, लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ, हुआ नहीं ना हुआ, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा नोट क्या है कि F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात क्या होता है, सही बात है, क्या कि F2 पीढ़ी में इसका क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी से फिर से, तो कौन सा कितना पौधा आएगा बताइए, कैपिटल टी आएगा, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी दो को आता था, स्मॉल टी उसके बाद नीचे में लिखिए स्मॉल टी, तो क्या था कि नहीं, देख लीजिए ये एक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या बताते, कैपिटल टी ये तो लंबा होता ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा होता है, लेकिन स्मॉल टी ये बौना होता है, तो लंबा कितना है, एक यहाँ है, दो यहाँ है, तो 2:1:3 हुआ, ठीक, बौना कितना है, एक है, तो 3:1 हुआ कि नहीं, बताइए, ये सब बता चुके हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, एक संकर क्रॉस में, ठीक, तो ये बताया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, F2 पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी हुआ नहीं है, तो जब सेल्फिंग करवाया था F2 पीढ़ी हो गया इसका, तो F2 पीढ़ी में 3:1 आता है, ठीक, ये सही बात है। अब देखिए इसका एक्सेप्शन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन हम बता रहे कैसे आता है, यहाँ क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, या प्रभाविता का नियम का व्याख्या कीजिए, तो ये नियम यही है, यहाँ से यहाँ तक आपको उतारना पड़ेगा, समझे होंगे तब ऐसे नहीं, ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, इसके बारे में क्या करिए, डिस्क्राइब कीजिए, समझाइए, ठीक, तो ये पूरा आपको उतारना पड़ेगा। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, तो अपवाद इसके नीचे में लिख लीजिएगा, ठीक, हम इसको मिटा रहे हैं, अपवाद क्या है, इसके नीचे आपको लिखना है अपवाद, पहला अपवाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे, पहला अपवाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा अपवाद है को डोमिनेंस। तो क्वेश्चन इस तरह आता है, यहां से देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद लिखिए, या लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद क्या है, ऑब्जेक्टिव में डाल देगा, ठीक, तो ये दुगो है, दुगो और किसी कहीं का डाल देगा, ठीक, तो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद कौन सा है, इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके बारे में आपको अच्छा समझाएंगे, इसका अलग से टॉपिक है, और को डोमिनेंस, ठीक, ये हुआ सहप्रभाविता का नियम, इसको बोलते हैं, ठीक, तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद बताइए, क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ठीक, तो आप लोग को अच्छा से पढ़ना है, इसको नहीं पढ़िएगा दिक्कत है, कम से कम एक दो बार रिवाइज कीजिए, रेगुलर रिवाइज कीजिए, नहीं पढ़िएगा, रेगुलर नहीं पढ़िएगा तो आप लोग को ही दिक्कत है, ठीक, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप जितना क्वेश्चन कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को हम चाहते हैं क्या कि आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, हम तो पढ़ा रहे हैं यार, आप लोग कम से कम थोड़ा मेहनत कीजिएगा ना, अब आगे पढ़ेंगे, थैंक यू।